पंजाब में जारी लॉकडाउन में 25 अप्रैल तक तौसी का फैसला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान की जेर सदारत इजलास में ऐलान। सूबे में कम रिस्क वाले शोबों को फौरी खोला जाए। केमिकल्स इंडस्ट्री, आईटी कंपनी, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, दर्जी की दुकानें खुली रहेंगी। स्टेशनरी और कुतुब की दुकानें, शीशा साजी के यूनिट पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। वेटनरी सर्विसेज, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलर के दफातर भी खुले रहेंगे। शुबह मादनियात, इमारात, ईंटों के भट्टों पर पाबंदी नहीं होगी। मुल्तान के अराकान असेंबली कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने लॉकडाउन पर ताजरों को मना लिया। ताजर रहनुमाओं ख्वाजा शफीक, ख्वाजा सलेमान सिद्दीकी, जफर सिद्दीकी समेत दीगर ने इंतजामिया को हिमायत का यकीन दिला दिया। सूबाई वजीर एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना है कि हुकूमत ताजरों को कारोबार की इजाजत के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर रही है जो कल तक वाजे कर दी जाएगी। और रहीम यार खान में कोरोना के मरीजों के हवाले से खुशखबरी। शेख सैद अस्पताल में सीरियस हालत में वेंटिलेटर पर मौजूद कोरोना वायरस का मरीज तेजी से सेहतयाब। मरीज को बेहतर हालत और सेहतमंद होने पर वेंटिलेटर से उतार लिया गया। पंजाब में जारी लॉकडाउन में 25 अप्रैल तक तौसी का फैसला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान की जेर सदारत इजलास में ऐलान। सूबे में कम रिस्क वाले शोबों को फौरी खोला जाए। केमिकल्स इंडस्ट्री, आईटी कंपनी, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, दर्जी की दुकानें खुली रहेंगी। स्टेशनरी और कुतुब की दुकानें, शीशा साजी के यूनिट पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। वेटनरी सर्विसेज, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलर के दफातर भी खुले रहेंगे। शुबह मादनियात, इमारात, ईंटों के भट्टों पर पाबंदी नहीं होगी। मुल्तान के अराकान असेंबली कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने लॉकडाउन पर ताजरों को मना लिया। ताजर रहनुमाओं ख्वाजा शफीक, ख्वाजा सलेमान सिद्दीकी, जफर सिद्दीकी समेत दीगर ने इंतजामिया को हिमायत का यकीन दिला दिया। सूबाई वजीर एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना है कि हुकूमत ताजरों को कारोबार की इजाजत के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर रही है जो कल तक वाजे कर दी जाएगी। और रहीम यार खान में कोरोना के मरीजों के हवाले से खुशखबरी। शेख सैद अस्पताल में सीरियस हालत में वेंटिलेटर पर मौजूद कोरोना वायरस का मरीज तेजी से सेहतयाब। मरीज को बेहतर हालत और सेहतमंद होने पर वेंटिलेटर से उतार लिया गया। पंजाब में जारी लॉकडाउन में 25 अप्रैल तक तौसी का फैसला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान की जेर सदारत इजलास में ऐलान। सूबे में कम रिस्क वाले शोबों को फौरी खोला जाए। केमिकल्स इंडस्ट्री, आईटी कंपनी, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, दर्जी की दुकानें खुली रहेंगी। स्टेशनरी और कुतुब की दुकानें, शीशा साजी के यूनिट पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। वेटनरी सर्विसेज, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलर के दफातर भी खुले रहेंगे। शुबह मादनियात, इमारात, ईंटों के भट्टों पर पाबंदी नहीं होगी। मुल्तान के अराकान असेंबली कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने लॉकडाउन पर ताजरों को मना लिया। ताजर रहनुमाओं ख्वाजा शफीक, ख्वाजा सलेमान सिद्दीकी, जफर सिद्दीकी समेत दीगर ने इंतजामिया को हिमायत का यकीन दिला दिया। सूबाई वजीर एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना है कि हुकूमत ताजरों को कारोबार की इजाजत के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर रही है जो कल तक वाजे कर दी जाएगी। और रहीम यार खान में कोरोना के मरीजों के हवाले से खुशखबरी। शेख सैद अस्पताल में सीरियस हालत में वेंटिलेटर पर मौजूद कोरोना वायरस का मरीज तेजी से सेहतयाब। मरीज को बेहतर हालत और सेहतमंद होने पर वेंटिलेटर से उतार लिया गया।